गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर 1। आई होप आप लोगों ने अपनी अपनी बुक्स परचेज कर ली होंगी। सेमेस्टर 1 की इंडेक्स आपको ये शो हो रही है, इसके अंदर आपके चैप्टर 5 हैं। चैप्टर नंबर 1 फोटोसिंथेसिस, चैप्टर नंबर 2 अडेप्टेशन इन प्लांट्स, चैप्टर नंबर 3 अडेप्टेशन इन एनिमल्स, चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड चैप्टर 5 फूड एंड डाइजेशन, और 3 आपको इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट दे रखे हैं, ठीक है, जो चैप्टर के कंटिन्यूएशन में है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स अपने लिए जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस के साथ में, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और मिनरल्स के साथ में वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और जो फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। You already know that all living beings need food to survive. जितने भी living organisms होते हैं उन सब को जिंदा रहने के लिए, survive करने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है। All animals depend on plants directly or indirectly for obtaining food. और ये food हमको कहाँ से मिलता है? Green plants से, क्योंकि हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम चपाती खाते हैं तो उसके लिए गेहूं कहाँ से आता है? प्लांट से। चावल खाते हैं तो चावल कहाँ से आता है हमको? प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो हमको फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? ग्रीन प्लांट्स के लिए, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, डियर हो, लायन हो, टाइगर हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, हम सब किसके ऊपर? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं। टाइगर अगर मीट खा रहा है तो मीट भी कहाँ से आ रहा है? वो एनिमल क्या खाता है? जैसे कि टाइगर अगर डियर को खा रहा है तो डियर क्या खाता है? ग्रीन प्लांट्स को खाता है, ठीक है। तो टाइगर भी इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड हो गया है? ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? ग्रीन प्लांट्स अपना फूड जो उस अपने उस सराउंडिंग के अंदर जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको यूज़ करके वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉइल के अंदर से मिनरल्स, लीफ के अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, इनसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना फूड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट वी शुड हैव द आइडिया अबाउट सम फीचर्स ऑफ प्लांट पार्ट्स, और इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले प्लांट्स के पार्ट्स को समझना होगा, ठीक है।